दोस्तों, महिलाओं को नाजुक माना जाता है और उनके लिए पतला शरीर ही सही माना जाता है, जिसके चलते बहुत सी महिलाएं पतला होने के लिए कई तरह की कवायदें लगाती रहती है। ऐसे में अगर कोई महिला पुरुषों की तरह बॉडी बिल्डिंग कर रही हो तो जानकर हैरानी होती है, खासकर जब उस महिला ने इतनी तगड़ी बॉडी बना ली हो जिसे देखकर अच्छे अच्छे मर्द भी शर्मा जाए। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही दुनिया की 5 महिला बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे। ब्रिजिटा ब्रेजोवेक। स्लोवेनिया की प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर ब्रिजिटा ब्रेजोवेक 14 साल की उम्र से ही जिम जाने लगी थी। उस समय वह अपने लवर के घर पर बने जिम का इस्तेमाल करती थी। धीरे धीरे उनका जिम से प्यार पागलपन की हद तक बढ़ गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बॉडी इतनी खतरनाक बन गई। कई चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने 2013 में रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आज भी ब्रिजिटा से कई मशहूर पुरुष बॉडी बिल्डर तक डरते हैं। बता दें कि ब्रिजिटा कराटे में ब्लैक बेल्ट है और बॉक्सिंग भी करती है। फिलहाल वे पर्सनल ट्रेनर के रूप में काम करती है। साथ ही ब्रिजिटा के पास 4 तरह की भाषाओं का ज्ञान भी है। नतालिया कुजनेत्सोवा। ये है रूसी पावर लिफ्टर नतालिया कुजनेत्सोवा। 14 साल की उम्र में नतालिया का वजन महज 40 किलोग्राम था। वजन बढ़ाने के लिए उन्होंने जिम में पावर लिफ्टिंग शुरू की। आज 10 साल में उनकी जांघें इतनी मजबूत हो चुकी है कि वे इनके बीच दबाकर तरबूज तक को तोड़ सकती है। उनकी जांघें ही नहीं बल्कि उनका पूरा शरीर इतना ही मजबूत है। नतालिया ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने बॉडी बनाने के लिए एस्ट्रोजन ब्लॉकर लिया है। यह दवा फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन के असर को रोक देती है, जिसके चलते महिलाओं के मसल्स पुरुषों की तरह सख्त हो जाते हैं। इसके अलावा नतालिया स्टेरॉयड लेने की बात से भी इनकार नहीं करती। बता दें कि नतालिया शादीशुदा है और मॉस्को में अपने पति के साथ रहती है। डाना लिन बेली। डाना लिन बेली कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेलती थी, फिर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बॉडी बिल्डिंग शुरू की। 2006 से उन्होंने कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया और कई इनाम जीते। फिर वे एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर बन गई और 2014 तक यहीं पर काम किया। फिलहाल वे अपने पति के साथ जिम में वर्जिश करती है। डाना बॉडी बिल्डिंग के अलावा दुनिया भर के सेमिनार और वर्कशॉप में जाकर महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम करती है। कैथी ले फ्रेकोइस। कैथी महज 5'3" की है, पर उनकी बॉडी 46 साल की उम्र में भी अद्भुत है। कैथी कनाडा की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक है। स्कूल के दिनों में उनकी रुचि स्केटिंग और टेनिस में थी। फिर 14 साल की उम्र में वे एक साथी लड़के को देखकर इस क्षेत्र में आई। उस लड़के ने कैथी की बहुत मदद की, लेकिन एक दिन एक शराबी ड्राइवर ने उस लड़के को कुचल दिया। इस घटना से कैथी को काफी गहरा धक्का लगा और फिर उन्होंने अपना आगे का बॉडी बिल्डिंग करियर उस लड़के की याद में डेडिकेट कर दिया। कैथी ने 1995 में प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से दूरी बना ली थी। फिलहाल वे अपना जिम चलाती है और पर्सनल ट्रेनर है। आइरिन एंडरसन। आइरिन एंडरसन डेनमार्क में जन्मी और फिलहाल स्वीडन में रहती है। वे 3 बच्चों की माँ है। आइरिन दुनिया में नंबर 1 बनना चाहती है, जिसके चलते वे कई पुरुषों के कॉम्पिटिशन में भी हिस्सा लेना चाहती है, लेकिन ये उनकी पीड़ा है कि कई कंपटीशन में फीमेल बॉडी बिल्डर्स को एंट्री ही नहीं मिलती। उनकी लाइफ और करियर पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, जिसमें उनकी राह में आई कई बाधाओं के बारे में बताया गया है। दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा तरीन वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।